सब्सक्राइब कीजिए दिल्ली यूनिवर्सिटी इन्फो को और प्रेस कीजिए इस बेल आइकन को ताकि मिल सके आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी की हर अपडेट्स सबसे पहले। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का दिल्ली यूनिवर्सिटी इन्फो में। और आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं डीयू के उन स्टूडेंट्स के बारे में जिन्होंने एशियन गेम्स 2018 में मेडल अचीव कर अपने कंट्री का नाम रोशन करने के साथ साथ दिल्ली यूनिवर्सिटी का नाम और अपने कॉलेज का नाम रोशन किया है। सो वो कौन से स्टूडेंट हैं, उनका नाम क्या है और उन्होंने क्या मेडल अचीव किया है, कौन से गेम में अचीव किया है, उनका कॉलेज कौन सा है, कौन सा कोर्स है, ये सारी चीज़ें आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा देखिए और चलिए स्टार्ट करते हैं। फिर पहला जो नाम है, पहले जो स्टूडेंट उनका नाम है अमन सैनी। अमन सैनी DDUC के स्टूडेंट हैं, यानी कि दीनदयाल उपाध्याय कॉलेज के स्टूडेंट हैं और इन्होंने सिल्वर मेडल अचीव किया है मेंस टीम कंपाउंड आर्चरी में। इनके साथ जो दो लोग और थे जिन्होंने मेंस टीम कंपाउंड आर्चरी में मेडल अचीव किया है वो है रजत चौहान, अभिषेक वर्मा। हालांकि अगर अमन सैनी के हम कोर्स की बात करें तो अमन सैनी BA प्रोग्राम के स्टूडेंट हैं और इन्होंने गोल्ड मेडल अचीव करने का एक्सपेक्टेशन की थी लेकिन वो किसी कारणवश गोल्ड मेडल से चूक गए और सिल्वर मेडल से ही उन्हें सेटिस्फाई होना पड़ा। और इन्होंने अपने इस आर्टिकल में बताया है, अगर आप आर्टिकल को वीडियो को पॉज करके पढ़ेंगे तो आपको आर्टिकल में दिखेगा कि इन्होंने बताया है कि इनको किस टाइप की रिलैक्सेशन मिलती थी, कॉलेज से हेल्प मिलती थी इनके प्रिपरेशन के लिए। तो इन्होंने उसमें बताया है कि इनको कॉलेज से फुल सपोर्ट मिलता था इनकी प्रिपरेशन के लिए और इनके गेम्स के लिए। तो ये आपको पता है एज यू नो कि जो भी स्पोर्ट्स कोटे के बेसिस पे एडमिशन होते हैं उन सभी स्टूडेंट्स को अटेंडेंस की कोई दिक्कत नहीं होती, उनको सिर्फ स्पोर्ट्स में ही अपना कल टाइम देना पड़ता है सारा, उनको प्रैक्टिस करनी होती है, उनको कॉलेज जाने की जरूरत नहीं होती है। तो सेकंड नंबर पे जो हमारे पास नाम है वो है निकी बलहारा। निकी बलहारा गार्गी कॉलेज की स्टूडेंट हैं और इन्होंने सिल्वर मेडल अचीव किया है क्रैश में। क्रैश एक गेम है, आपको आप सोच रहे हो कि कौन सा गेम है। क्रैश एक गेम है ट्रेडिशनल रेसलिंग ऑफ इंडोनेशिया, आप गूगल पे सर्च करोगे क्रैश तो आपको पता चल जाएगा। बाकी अगर इनके कोर्स की बात करें तो ये भी BA प्रोग्राम के स्टूडेंट हैं और इनका भी थर्ड ईयर है चल रहा है। अगर आप कोई व्यूअर गार्गी कॉलेज में पढ़ते हो तो आप इनसे जाके मिल सकते हो अपने कॉलेज में। साथ में इनने गोल्ड मेडल अचीव किया था जूनियर एशियन चैंपियनशिप इन जूडो में और अभी इनका सिल्वर मेडल आया है एशियन गेम्स 2018 में। इन दोनों के कॉलेज ने ये अनाउंस किया है कि इनका वेलकम होगा बहुत ही ज़ोरदार और ये वीडियो आपको बाद में मिल रही है तो इनका वेलकम काफ़ी ज़ोरदार हो चुका है इनके कॉलेजेस में। बाकी हम थर्ड नंबर पे बात करें तो थर्ड नंबर पे हमारे पास हैं अपूर्वी चंडेला जो कि जीसस एंड मैरी कॉलेज की स्टूडेंट रह चुकी हैं और इन्होंने भी ब्रॉन्ज मेडल अचीव किया है शूटिंग में 10 मीटर एयर राइफल मिक्स्ड टीम। साथ ही इन्होंने 2014 में गोल्ड मेडल अचीव किया था कॉमनवेल्थ गेम्स में। और अगर हम इनके कोर्स की बात करें कि ये कौन सा कोर्स पढ़ रही थी जीसस मैरी कॉलेज में, तो सोशियोलॉजी ऑनर्स था इनका जीसस मैरी कॉलेज में और ये अब एलुमिनी की लिस्ट में आ चुकी हैं जीसस मैरी कॉलेज की। बाकी अमन सैनी और पीयूसी पिकनिकी बलहारा ये दोनों स्टूडेंट के कॉलेज ने बोला है कि हम अपने इनका नाम अपने एलुमिनी की लिस्ट में ऐड करेंगे और इनको आप देखोगे आगे कि इनकी कॉलेज की वेबसाइट पे या फिर आप इनकी वेबसाइट पे जाकर चेक करोगे कॉलेज एलुमिनी में तो इनका नाम आपको वहाँ पे मिलेगा और आप देख पाओगे कि इन्होंने क्या अचीव किया है, कैसे अपने कॉलेज का नाम रोशन किया है। तो फ्रेंड होपफुली आप भी अपने कॉलेज का नाम, अपनी कंट्री का नाम ऐसे ही फेमस करोगे अपने मम्मी पापा का नाम, तो ये चीज़ है। बाकी आप वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना ना भूलें अपने सभी फ्रेंड्स तक, क्योंकि ये प्राउड का मोमेंट है मेरे लिए, आपके लिए, उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो कि DU के स्टूडेंट हैं। तो वीडियो को लाइक करें अच्छी लगी तो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें इसी तरीके की वीडियोस और अपडेट्स के लिए।